यशायाह की किताब उसका 21 बाब और उसी असी पढ़ांगे 11 अते 12 आयत। यशायाह 21 11 अते 12 लिखा है, दुमां लई अगम वाक, सेईर तो कोई मैनू पुकारदा है। एक आवाज आ रही है, एक पुकार आ रही है। हालेलुया, आमीन। अज का संदेश भी एक पुकार वांगू ही है। पुकार का मतलब है कि कोई तुहानू आवाजा मार रहा है, कोई तुहानू बुला रहा है, और पुकार सवाल करे खड़े कर रही है। सवाल यह है, हे राखी रात दी की खबर है, हे राखी रात दी की खबर है। दो बारी लिखिया, आमीन। पहली बारी लिखिया, हे राखे रात दी की खबर है, और फिर सवाल किया गया, राखे रात दी की खबर है। अगो राखे ने जवाब दिता, राखे ने आख्या फजर आउंदी है। फजर का मतलब सवेर आउंदी है, तड़का होण दिया सवेर चढ़न वाली है, अते रात भी। जे तुसी पुछना चाहते हो तो पुछो, फिर मुड़ के आओ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह दे नाम नूं महिमा दिंदे हाँ। ओही वड्याए ते सलाहे जान दे योग है। आमीन। देखो सब ने इधर ध्यान देना है, 15 या 20 मिनट में प्रचार करना है, क्योंकि लगता अज टाइम काफ़ी हो गया। पिछली असी 8:30 मीटिंग खत्म कर दिती सी, लेकिन जे पवित्र आत्मा बोले ते सिर्फ 10 मिनट काफ़ी होंगे हैं। आमीन। हालेलुया। पेंटिकॉस्टल दे दिन जब पत्रस खड़ा होया ते किन्ना क लंबा उन्हें प्रचार किया, रहन दो कुछ ना को मैं शुरू हो गया, बस गल खत्म। जो मैं शुरू हो गया गल खत्म। हालेलुया। मतलब कहन दा ए के वचन जरूरी है, क्योंकि वचन जीवन है। आमीन। जब पवित्र आत्मा बोलता है ओ साड्या जीवना ना गलबात करता है। हालेलुया। इत्थे कागू दी गल है, एक राखे दी गल है, और राखे नूं पुछया जा रहा कि रात दी की खबर है भाई। आमीन। क्योंकि सारे जाने सौंदे आ जदों ओ राखे दे सिर ते सौंदे आ। पहला पैरे लगते होंगे सीगे, और वो आराम दे नाल लोग अपने घर च बैठे रहिंदे सीगे, आराम दे नाल उन्हां नूं कोई परवाह नहीं सी हुंदी, और वो पैरे वाले दे उत्ते आधारित सीगे, उन्हां दा कोई डर नहीं सीगा, कोई उन्हां नूं खौफ नहीं सीगा, क्योंकि उन्हां नूं पैरे वाले ते विश्वास सीगा। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। और इसराइल के अंदर असं देखते हाँ कि जो एक गल उठी है कि राख्या रात की की खबर है, तो असं देखते हाँ कि एक बड़ा वड्डा बुरज हुंदा सीगा। कलाम च लिखा ना, एक ने अंगूरी बाग लाया तो बुरज भी उसारिया है ना। जो असं देखते हाँ छाउणियां दे लागे लागे देखते हाँ, एक टावर हुंदा बहुत उच्चा, उत्ते एक सिपाही बंदूक लैके चार चफेरे वेख रहा हुंदा है ना। वो चार चफेरे देख रहा हुंदा, लेकिन उन्हूं बहुत घट लोग देखते हैं, देखता ही नहीं थोड़ी कीते हैं। आमीन। वो की करता है, वो चार चफेरे की खबर रखता है, और पुकारण वाला पुकार रहा है कि राखे तेनू मैं राख्या बनाया सी, रात दे उत्ते पैरा लाया तू, ते दा दस कि रात की खबर की है। इहदा मतलब है साड़ी कोई खबर लैण वाला भी हैगा। हाथ उठा के बोलो हालेलुया, आमीन। हे विश्वासी, तेरी दुआ दी की खबर है, यू अंडरस्टैंड। आमीन। हे प्रभु दे दास, तेरा विजिट करन दे दी की खबर है भाई, की खबर लैके आया है ना, की खबर लैके आया। जेड़े लोग मैं तेनू दिते हैं, जेड़े भैन भरा मैं तेनू दिते हैं, हालेलुया, जेड़े विश्वासी लोग तेरे चर्च में आते हैं
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਬਰ ਆ ਭਾਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਬਰ ਆ ਬਈ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਮਿਰਾਸ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਖਬਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਰਾਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਖੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਖਿਆ ਰਾਤ ਦੀ ਕੀ ਖਬਰ ਆ ਬਈ? ਰਾਤ ਕੋਈ ਚੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਸੀਆ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲਾਈਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ। ਆਮੇਨ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਕੁਝ ਦੇ ਗਿਆ ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ 10 ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਮਾ ਲਈਆਂ ਪੰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ 10। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੋ ਵਾਲੇ ਨੇ 4 ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਆਇਆ ਮਾਲਕ, ਉਸਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ। ਆਂਦਾ ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਿਆਜੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਫੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ? ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਖੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਖੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਤੂੰ ਵੰਡਿਆ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰੱਖ ਛੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਤੈਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਡਰਾਊਗਾ, ਚੰਦ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾਊਗਾ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਉੜਦੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਭੌਂਜਲ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਕੱਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆ। ਯਾਕੂਬ ਕਦੋਂ ਘੁਲਿਆ? 5-6 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਖੀ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ, ਹੈਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆ, ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਪੜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅੱਧੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਫੋਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
राखी रात दी की खबर है। ते जेड़ा राखा सुता ही रहा, जेड़ा सेवक सुता ही रहा, जिन्हें दबका ही ना मारिया है ना, वो दबके खाण वाला बन जूगा, फिर उन्हें खाने ही देने, उन्हें प्रभु को दबके खाने ही बाद च, जिन्हें अपनी कलिसिया सोटी ते लाठी दे नाल सैट नहीं किया वचन दे नाल। हाथ उठा के बोलो हालेलुया, आमीन। सेवादारा रात दी की खबर है, सुख सां दिया या दुश्मन दा डरिया, सेवादारा रात दी की खबर है। ध्यान दियो, यहोवा परमेश्वर साडियां खबरां रखण वाला परमेश्वर है। लिखिया खुदा दे लोकां ने गल्लां कीतियां ते उन्हें लिख लिया, हाय हाय हाय, खुदा अपने लोकां दियां भी गल्लां लिखदा, कोई नहीं बख्शिया जांदा, ओ बख्शनहार जरूर है, आमीन, बख्शनहार जरूर है, पर वो ध्यान भी रखता है। बख्शनहार का मतलब ये नहीं कि आप कही जाइए बख्शनहार ने बख्शी देना, नहीं नहीं, परमेश्वर न्यायी भी है। हालेलुया। रात दी की खबर है, क्योंकि चोर कदों आउंदा, रात नूं बंदा विश्वासियां च रह के विश्वासी हुंदा जे है ना, पर बंदे दा विश्वास उदों परख्या जांदा जदों बंदा कल्ला होवे। प्रभु कहिंदा ओए विश्वासी, उधरों तेरे घर कोई नहीं, तू कल्ला हीगा, उदों दी खबर सुना मैनू। जदों तू बंदगी च आ सारिआं दे विच आ, वो खबर ना सुना, जदों तू कल्ला ही टॉयलेट च हुंना, वो खबर सुना, जदों तू फोन तो बिना जांदा ही नहीं, किन्ने समझण दा, वो खबर सुना जिहड़ी तू डिलीट करती आ, थोड़ा ध्यान इधर, वो खबर सुना जिहड़ी तू वेख के डिलीट कीता आ। हालेलुया। और असी डर जाने कि उत्ती रो भला हो, ये दबिया सी, मैं डिलीट करता डाटा सारा, पर ओ परमेश्वर डिलीट कीतियां होईयां चीजां नूं भी, वीडियोज नूं, चैट नूं, कॉलिंग नूं, सारियां नूं लभ लैंदा। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। इस तों पहला कि ओ लभे, सानूं आप ही उहदे अगे झुक जाणा चाहीदा है। हालेलुया। यसू तू मेरे विच की वेख्या, पता नहीं की वेख्या, उन्हें अपना बीज साडे अंदर वेख्या। असी जगत की नींह धरन तो ही चुने गए हैं, आ कुछ उन्हें वेख्या, उन्हें सामरी के अंदर की वेख्या, सामरी के अंदर यह वेख्या कि मेरा बीज है। परमेश्वर अपने बीज नूं नहीं छड़दा, परमेश्वर अपनी संतान नूं नहीं छड़दा। हालेलुया। तो असी गल करते हैं कि साडा लेखा भी है, लेखा है सारिया गल्लां दा, जे सानू कोई बरकत मिलती है उहदा गलत इस्तेमाल करते हैं, लेखा है, जे सानू फोन मिलिया उहदा लेखा है, जे सानू वधिया घर मिलिया उहदा लेखा है, आमीन, जे सानू सेवकाई मिली है ते इहदा ते लेखा ही बड़ा बड़ा वड्डा वा। हालेलुया। सेवादारा ओ जिन्ना तू तू बपतिस्मे दित्ते ही उन्हां दी की खबर है। हालेलुया। कई वेले सेवक झिड़कदा आ, वह इस करके झिड़कदा वा कि उहदे कोल लेखा लैणा, दूसरे सोचदे भी आपां गुस्सा करिए, नहीं नहीं गुस्सा ना करो, जिहड़ा झिड़कण डिया ओनू भी कोई झिड़कण डिया वा। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। इसलिए भैनो भराओ, खुदावन ने साडे को लेखा लेना है, रात की खबर पूछी जानी है, किसे मामूली बंदे को नहीं खबर पूछी गई, ओदे को खबर पूछी गई जे जेड़ा अपने आप च की बनिया राखा। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। जेड़ा अपने आप च राखा बनिया, ते रातां नूं ते पता नहीं असीं की कुछ कर दिंदे आ। हालेलुया। जदों सारे सौ जांदे आ,
कोई चैट ते लग जांदा, कोई कॉलिंग ते लग जांदा, कोई किसी पासे लग जांदा। अजीजो खुदा खबर रखदा है। आमीन। परमेश्वर को डरना की है? जो संगति चाहे उदो नहीं, नहीं उदो तो सारे डरते हैं। जो असी कले होंगे उदो असी की करते हैं? ये है परमेश्वर का डर, असी उदो रखिया या नहीं रखिया। आमीन। इस करके कलाम च लिखिया, जो कुछ तू लुक के करदा है उदा प्रचार कोठिया ते किया जाऊगा। आमीन। प्रचार हुंदा आ, उहदे चो कोई अपना हिस्सा पछाणे ना पछाणे वह अगले दी आ, पर खुदा फिर पुकार रहा हुंदा है। आमीन। आओ अखां बंद कर, अज भी परमेश्वर पुकार रहा है, अज भी वह दुहाई दे रहा है, अज भी वह सानू लभ रहा है, अज भी वह साडे